ओके नमस्कार आदाब सत श्रीकाल गुड मॉर्निंग एवरीवन मेरी आवाज़ आ रही है क्या पता नहीं साउंड में क्या ओके नमस्कार आदाब ठीक है ओके

थोड़ा डर लगेगा आज पहले दिन आपको मेरे साथ हो सकता है कल भी डर लगे लेकिन परसों से इस तरह से डर का आपका जो सामना कर लिया आप दो दिन तो फिर एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा इस तरह लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है अगर आप डेली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली अच्छे से रिवीजन करते हैं तो आप करंट अफेयर्स सेक्शन में 90 परसेंट तक स्कोर कर सकते हैं यह मेरा विश्वास है यह मेरा मानना है अगर आप मेरे कंटेंट जीए कंटेंट में भरोसा रखते हैं तो आपको अगर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ क्विजिस चाहिए हर एक सब्जेक्ट के चाहिए इंक्लूडिंग एडिटोरियल डिस्क्रिप्टिव कंप्यूटर एंड एवरीथिंग इज देयर एट वन प्लेस पूरे एक साल के लिए डेली बेसिस पर चाहिए तो आपको नोटबुक सीरीज लेना चाहिए ये आपके लिए नोटबुक से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी स्टडी नीति वेबसाइट का वहां पर आप जाकर मोक टेस्ट और ये दोनों के दोनों परचेज कर सकते हैं दोनों कॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो भी आपके लिए अवेलेबल है राइट चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहली न्यूज आई है अफ्सवा से अफ्सवा यहां पर है आपका एक आर्म फोर्सेस एक्ट फोर्सेस जो कि पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यहां पर लगाया गया था काफी साल से वहां पर चल रहा है और इसके पीछे कारण यही है कि वो एरियाज यहां पर डिस्टर्ब एरियाज की कैटेगरी में आते हैं डिस्टर्ब एरियाज में कैटेगरी में आने का मतलब यहां पर अभी बताऊंगा आपको इससे पहले फिलहाल जो ये न्यूज है ये है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिडक्शन ऑफ द एरियाज अंडर द द्पा काफी सालों से यहां पर एक ये चर्चा का विषय बना हुआ था लोग वहां पर प्रोटेस्ट भी करते हैं कि अफ्सपा को यहां पर रिपील कर दिया जाए रिपील मतलब वहां से हटा दिया जाए तो ये कुछ राज्य हैं जहां पर इस तरह के एक्ट यहां पर इम्पोज हैं और इन एक्ट्स का एक सार में मतलब अगर बताऊं अफ्सपा जिस तरह के एक्ट है और इस तरह से जम्मू कश्मीर में भी एक है स्पेशल फोर्सेज एक्ट होता है यहाँ पर आपका इनमें यहां पर यह कहा जाता है कोई भी कोई भी कहीं पर भी जो आर्मी है वो जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी तरह का वारंट की जरूरत नहीं है किसी को अरेस्ट कर सकते हैं डिटेन कर सकते हैं पूछताछ के लिए उसको उठा सकती है तो ये सब चीजें यहाँ पर अफसपा के तहत आती हैं तो ये जो एरिया था और ये जो आपके एरिया लिखे हैं यहाँ पर ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया भी जा चुका है और काफी जगह पर इसको रिपील भी किया जा चुका है यानी पंजाब में ये हुआ था नाइनटीन में इसको यहाँ पर रिपील कर दिया गया था ओके सो यहाँ पर एंटायर एरिया ये मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं किस किस एरिया में है और फिलहाल यहाँ पर आपका और एरिया वाइज इसको और रिड्यूस किया गया है हर एक स्टेट में ठीक है ओके सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनाउंस किया रिडक्शन ऑफ द डिस्टर्ब एरियाज इंपोज्ड अंडर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफ्सपा इन नागालैंड असम एंड मणिपुर आफ्टर दिक्ड सो यहाँ पर कुछ में, पर रिडक्शन किया गया है एरिया का एरिया को रिड्यूस किया गया है जो इसके तहत यहाँ पर आते थे इसको पहले अप्सा को समझते हैं बाकी न्यूज इतनी खास नहीं है समझने वाली चीज जो है वो अफ्सपा ही है अफ्सपा का पूरा नाम है आर्म फोर्सिस स्पेशल पावर एक्ट ठीक है क्या नाम है आर्म फोर्सिस स्पेशल पावर एक्ट इसका नाम है ये यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया जो होते थे उनमें यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता था आर्मी यहां पर किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के एंटर कर सकती है सर्च कर सकती है किसी किसी के घर को को बिना वारंट एंड बैन कर सकती है पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स विदाउट बीइंग आंसरेबल टू एनीवन यानी कि आर्मी यहां पर सब कुछ कर सकती है और ये एरियाज यहां पर आपके डिस्टर्ब एरियाज में होता है जहां पर किसी भी तरह का यहां पर दंगे चल रहे हैं एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डिस्टर्बेंस हो रहा है सोशल अनरेस्ट है किसी वजह से यानी कि लोग आपस में नहीं uh, समझ पा रहे हैं एक दूसरे को कास्ट और कम्युनिटीज डिफरेंसिस हैं जो कि यहाँ पर इन एरियाज में काफ़ी देखने को मिला हुआ है इन दास्ट इन दिस्ट्री में राइट right, सो so ये आपका अफ्सपा यहाँ पर हुआ अफ्सपा यहाँ पर नागालैंड असम मनीपुर एक्सक्लूडिंग सेवन असेंबलीट्यूसी ऑफ असेंबलीज एंड पार्ट्स अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर अप्लाई किया गया था 2018 में यहां पर मेघालय में इसको रिवोक कर दिया गया था इसको यहां पर 20 किलोमीटर एरिया विद असम मेघालय बॉर्डर में यहां पर लगाया जा चुका था अरुणाचल प्रदेश द इंपैक्ट ऑफ रिड्यूस टू पुलिस स्टेशन ये पहले हिस्ट्री की बात कर रहा हूं ऐसे ऐसे हुआ था त्रिपुरा में 2015 में इसको विड्रॉ कर लिया गया था और जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का एक जम्मू कश्मीर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नाइनटीन यहां पर अप्लाई किया गया है ठीक है ये आपका यहां पर रिलेटेड यहां पर दो कमेटीज भी यहां पर कमीशन भी बनाए गए थे जिन्होंने पूर्णतया रिकमेंडेशन दिया था कि अफसपा को रिपील कर दिया जाए अफसपा को हटा दिया जाए ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पर ईजिली यहाँ पर आगे काम कर सकें लोगों को डर का जो डर के साय में जीना पड़ता है वो ना जीना पड़े तो इसके लिए जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमीशन और एआरसी आर दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन्होंने अपनी दोनों ने अपनी रिपोर्ट अपनी रिकमेंडेशन में ये बात कही थी कि अफसपा को अब रिपील करने का वक्त आ चुका है ये यहाँ पर दो की कमेटी थी और ये यहाँ पर आपका उसके बाद एक और कमेटी ने यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशंस दी थी अब यह तो पूरा हुआ अफ्सपा की हिस्ट्री अब जो न्यूज आई है न्यूज में सिंपल यही कहा गया है कि इसके एरियाज़ को रिड्यूस कर दिया गया पूर्णतः रिपील नहीं किया गया है मगर एरिया वाइज इसको रिड्यूस किया गया है जो कि कई दशकों से यहां पर इस अफसपा को यहां पर इंप्लीमेंट जो है उसमें यहां पर आपका अब लोगों को थोड़ी बहुत एरिया वाइज राहत की सांस मिलेगी नागालैंड में फिलहाल ये पंद्रह पुलिस स्टेशन जोरिस्टिक रिमूव्ड फ्रॉम जोरिस्टिकेशन ऑफ पंद्रह पुलिस स्टेशन इन सार डिस्ट्रिक्ट में यहां पर रिमूव कर दिया गया पंद्रह जगहों पर 57 पुलिस स्टेशन में अभी भी अप्लाई किया गया है अभी भी वहां पर चल रहा है अब यहाँ पर एरिया को पुलिस स्टेशन के हिसाब से मानते हैं आपके भी एरिया में ऐसा ही होता है मान लीजिए कॉल करते हैं पुलिस में तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये उस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है उसके जुरुस्टिकेशन में आता है ये सभी के डिस्ट्रिक्ट वाइज और सिटी वाइज यहाँ पर सभी जगह पर ऐसा ही होता है तो यहाँ पर फिफ्टी पुलिस स्टेशन में नहीं है असम में यहाँ पर बींग रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम थर्टी ट्वेंटी थ्री डिस्ट्रिक्ट एंड वन एक डिस्ट्रिक्ट जो है पार्शलिस के तहत रहेगा यहां पर द एक्ट विल रिमेन इन डिब्रूगढ़ तिनसुकिया सिवासागर चारादिओ जोरहत कार्बी एंग्लोंग वेस्ट कराबी एंगलोंग एंड दीमा हसाउ डिस्ट्रिक्ट एंड लखीमपुर सब डिविजन ऑफ कच्चा डिस्ट्रिक्ट इनमें यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर रहेगा मणिपुर में पंद्रह पुलिस स्टेशन एरियाज इन सिक्स डिस्ट्रिक्ट मणिपुर ये एक्सक्लूड किए गए हैं इनमें से एंड ये आपका बाकी एट्टी टू पुलिस स्टेशन से यहां पर रहेगा सिक्स डिस्ट्रिक्ट एंड फिफ्टीन पुलिस स्टेशन फ्रॉम वेयर दिन रिवोक्ड इन स्टेट आर द इम्फाल में से हटाया गया और बहुत सारी ये जगह लिखी हुई हैं अरुणाचल प्रदेश में एज इट इज रखा गया है अफसरा वुड रिमेन इन फोर्स इन टू पुलिस स्टेशन ऑफ नामसाई एंड महादेवपुर एंड थ्री डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तिरप चंगलैंग एंड दी ओके तो यहां पर अब आप, आप अगला क्वेश्चन पूछोगे कि सर क्या ये सब चीजें याद करनी है, कि या, क्या ये सब जो है याद करनी है हमें तो बंधु ये लोकेशंस के नाम आप याद नहीं करेंगे मगर हाँ आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए नंबर ऑफ पुलिस स्टेशंस नंबर ऑफ एरिया कितने में हटाया गया है और कितने में अप्लाई किया गया मतलब अभी भी वहां पर है तो नंबर्स जो है खेल है जो नंबर्स का खेल है इसको आपको याद करना पड़ेगा ये हो जाएगा याद कुछ ज्यादा नहीं है वो पैराग्राफ लगकर आपको लग रहा है बहुत बड़ा है इतना बड़ा नहीं है इतना कोई मामला मुश्किल नहीं है बहुत ही ईजी बहुत ही आसान न्यूज है ठीक है न्यूज तो आपको समझ में आ गई होगी लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने हैं वो यहां पर यहां पर शुरू होते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री के बारे में यहां पर पूछा जा सकता है कि ये क्या था कब स्टार्ट हुआ था वगैरह वगैरह और ये डिस्टर्ब एरियाज किसको कहते हैं इस तरह के क्वेश्चन दो कमीशन में से कौन से कमीशन थे जिन्होंने यहां पर अपने रिकमेंडेशन दी थी इसको हटाने के लिए और भी बहुत सारे कमीशन बने थे लेकिन केवल दो ही थे जिन्होंने पूर्णतः हटाने की यहां पर रिकमेंडेशन आपकी दे दी थी उम्मीद करता हूं ये न्यूज आपको समझ में आ गई होगी इजी सी न्यूज थी बट वो समझने और पढ़ने का पॉइंट ऑफ जो थोड़ी बड़ी है लेकिन अपने एग्जाम पॉइंट से ज्यादा इसमें से कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन रहे हैं ठीक है ओके okay, चल चलिए आगे चलते हैं इंडिया एंड नेपाल ने साइन किया है फोर एग्रीमेंट्स एंड लॉन्च किए हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स तो यहां पर इंडिया नेपाल uh, के बीच में आपके एग्रीमेंट हुए हैं आपके कुछ और Uh, हाल ही में यहां पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में विजिट पर हैं और इन्होंने यहां पर चार एग्रीमेंट साइन किए जिसमें से एक एग्रीमेंट रहा यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ा हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सौ पांचवा मेंबर यहाँ पर नेपाल बना है उन्होंने इसके लिए साइन किया गया है फाइनल एग्रीमेंट उन्होंने साइन कर लिया है इसके अलावा यहाँ पर एक आ, टेक्निकल कॉरपोरेशन रेलवे के फील्ड में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई के फील्ड में यहाँ पर आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में आपका हुआ है ठीक है तो ये आपका एक तो हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए टेक्निकल कॉपरेशन रेलवे के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए और एक यहां पर आपका इंडियन रुपए कार्ड नेपाल में अब लॉन्च किया गया है ठीक है तो ये यह यहां पर कुछ एग्रीमेंट्स पे दोनों ने अपनी मोहर लगाई दोनों ने अभी अपना साइन किया है दोनों प्राइम मिनिस्टर विटनेस दी लॉन्च ऑफ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस दोनों ने फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस जो इंडिया के जयनगर से नेपाल के कुर्था में जाएगी इसके ऊपर यहां पर आपका स्टार्ट किया उसको तो पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है इंडिया के जयनगर से जा रही है नेपाल के कुर्था में इससे रिलेटेड आपकी प्रीवियस आपको काफ़ी पुरानी एक न्यूज़ मिल जाएगी जिसमें इसके बारे में जब आई थी तब डिटेल में था ये न्यूज़ पूरी पूरी इसके अलावा सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर हैंड किया गया नेपाल में सोलू क्या है इसके बारे में अगले पेज पर थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है जे नेपाल कुर्था के बारे में अगले पेज पर डिटेल में लिखा हुआ चलो आगे चलते हैं यहां पर रुपए कार्ड रुपए कार्ड जो है इंडिया का खुद का बनाया हुआ इंडिया लेवल का इंडिजिनसली ले बिल्ट अपनी एक कार्ड कंपनी है जिस तरह से माइक्रो जिस तरह से मास्टर कार्ड वीजा है उसी तरह से इंडिया की कंपनी है रुपे यहां पर और इस रुपये को यहां पर अब यूटिलाइज किया जा सकता है कहां पर रुपए कार्ड को अब नेपाल में यहां पर अप्लाई कर दिया गया है सो इन नेपाल विद द डोमेस्टिक वेरिएंट ऑफ रुपए कार्ड रफली 83 परसेंट ऑफ ऑल रुपए कार्ड्स इश्यूड टू बी फंक्शनल ऑन अबाउट 1400 पॉइंट ऑफ सेल मशीन इन नेपाल तो ये यहां पर इंडिया की ही कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रुपए कार्ड अब नेपाल में भी यहाँ पर जाकर आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन कौन सी होती है जो स्वाइप मशीन होती हैं वहां पर आप जाकर इनको यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी तरह के मॉल में या कुछ भी परचेज करना है जहां पर स्वाइप मशीन लगी है वहां पर रुपे कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है इस रुपये कार्ड का इस्तेमाल इससे पहले भी यहाँ पर तीन कंट्रीज में यहाँ पर एग्रीमेंट किया जा चुका है तो ये जो नेपाल है ऐसी चौथी कंट्री बनी है तीन कंट्रीज कौन सी हैं भूटान सिंगापुर एंड यूएई ये तीन कंट्रीज हैं जहां पर ये आपका इससे पहले हो चुका है जब भूटान में अप्लाई हुआ था तब ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है आपके एक बार जब ये स्टार्ट हुआ था भूटान में दैट टाइम एक हूब हु यही क्वेश्चन आया था कि कहां पर रुपए कार्ड सबसे पहले आया था भूटान वाज दी राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एग्जाम में था अब इस बार यहां पर नेपाल में आया है चौथी कंट्री नेपाल आपकी बनी है ठीक है जयनगर कुर्था को थोड़ा डिटेल में देखते हैं जयनगर कुर्था रेलवे सेक्शन जो है ये रेल लिंक है है जो कि 548 करोड़ रुपीस की लागत से यहां पर बनाया गया है, जिसमें यहां पर आपका 35 किलोमीटर का रेलवे लाइन है तीन किलोमीटर ऑफ विच लाइज इन इंडियन स्टेट ऑफ बिहार एंड रेस्ट इन नेपाल तो बिहार से यहां पर शुरू होकर नेपाल में यहां पर पूरी पूरी 35 किलोमीटर का रेल सेक्शन जाता है यहां पर आपका और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए 548 करोड़ रुपीस दिया है प्रोजेक्ट इज फर्स्ट ब्रोडगेज पैसेंजर रेल लिंक बिटवीन दू कंट्रीज ओपनिंग एन एंटायरली न्यू डायमेंशन फॉर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी दो हजार चौदह तक यहां पर रेलवे लाइन जो थी वो यहाँ पर जयनगर और जनकपुर के बीच में थी वो एक छोटी लाइन थी यहाँ पर आपकी और ये ब्रोडगेज रेलवे लाइन है ओके okay, पहले मीटरगेज थी अब ब्रोडगेज है तो यहां पर काफी सारे मेरे साथियों को यह जरूर मालूम होगा मीटरगेज क्या होता है ब्रोडगेज क्या होता है एक पटरी की चुड़ाई के अनुसार इसको मीटर गेज ब्रोड गेज कहते हैं ठीक है आई होप आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे पाएंगे ठीक है कि चौड़ाई कितनी होती है और कौन कौन सी और गेज की कौन सी यहां पर रेलवे लाइन्स होती हैं इसके अलावा मीटर गेज ब्रोड गेज के अलावा ठीक है तो ये तो हो गया आपका जया कुर्था रेलवे लिंक के बारे में 548 करोड़ रुपीज किलोमीटर का ये रेलवे लिंक है बिहार में आपका कुछ हिस्सा पड़ता है और बाकी सारा हिस्सा यहाँ पर आपका नेपाल में जाता है इसके अलावा यहाँ पर एक पहली ब्रोड गेज की पैसेंजर रेलवे लिंक है इससे पहले मीटर गेज का था जो जयनगर से जनकपुर में गया था यहाँ पर अब चलते हैं सोलू कॉरिडोर सोलू कॉरिडोर क्या है एक सौ बत्तीस के वी पावर ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ पर एंड ये आपका गो आ, इंडिया की मदद से यहाँ पर इसको फंडिंग दी गई थी और 90 किलोमीटर एक सौ बत्तीस केवी डबल सर्किट लाइन है जो कि यहाँ पर कनेक्ट करती है सोलू कुम्बू कोतांग एंड दी ओखल डूंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न नेपाल विद नेपाल नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तो यहाँ पर आपका सोलू कॉरिडोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ये यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन इंडिया की मदद से नेपाल के लिए बनाई गई है जो कि नेपाल के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में काफ़ी अहम रोल निभा रही है <coughs> इसके तहत यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहां पर ट्रांसमिट की जा सकती है इनटू द नेशनल ग्रिड एंड आल्सो सप्लाई पावर रूरल एरियाज में भी यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा ठीक है तो ये यहां पर पहली चीज आ गई ये दूसरी चीज आ गई आपकी तो सोलू कॉरिडोर यहां पर क्या है एक पावर ट्रांसमिशन लाइन है एक किलो वाट की ठीक है एक केवी की यहां पर आपकी ये ट्रांसमिशन लाइन है इंडिया की मदद से इसको भी बनाया गया है ओके सो यहां पर ये चार एग्रीमेंट उम्मीद करता हूँ समझ में आगे होंगे चार एग्रीमेंट क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं पहला एग्रीमेंट था इंटरनेशनल सोलर लाइन्स का जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही गुरुग्राम में है इंडिया ने फ्रांस की मदद से फ्रांस के साथ मिलकर यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर लाइन्स की शुरुआत की थी और अब ये यहां पर आ, कंट्रीज को जोड़ता जा रहा है और एक कंट्री यहां पर नेपाल सामने देखने को मिली है पहला तो ये हुआ दूसरा यहां पर जयनगर से कुर्ता एक रेलवे लिंक को यहां पर ओपन किया गया था जो कि 35 किलोमीटर का ये रेल सेक्शन है बिहार से स्टार्ट होकर नेपाल के एरिया में जाता है यहां पर आपका इंडिया ने उसके लिए फंडिंग दिया है अगला सोलू कॉरिडोर है सोलू कॉरिडोर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन है जो कि यहां पर इंडिया की मदद से बनाई गई है और जो चौथा एग्रीमेंट किया गया था वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ किया गया था वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन दोनों के बीच में यहां पर एग्रीमेंट किया गया तो चार एग्रीमेंट इंडिया नेपाल के बीच में हाल ही में क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री जो है इंडिया में अभी हाल ही में विजिट पर थे ये रीसेंट न्यूज है नेपाल से संबंधित नेपाल हाल ही में इंडिया का यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट करने वाली पहली कंट्री बना था इंडिया का यूपीआई वहां पर चलेगा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में चार विलेजेस जो नेपाल बॉर्डर के नज़दीक स्थित हैं उनको यहां पर एज अ रिवेन्यू विलेजेस घोषित कर दिया था का प्राइम मिनिस्टर शेर बहादर दौबा जिनसे मुलाकात हुई थी यहां पर आपकी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की ठीक है उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ पूरी की पूरी अब ईजीले इजीली समझ में आ गई होगी इजी लगी होगी आपको तो चलिए आगे चलते हैं अगली न्यूज़ क्या कहती है अगली न्यूज़ क्या कहती है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अभी हाल ही में दो देशों की यात्रा पर गए जिनमें से पहला देश है तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान में गए इसके बाद नीदरलैंड में अभी आज हैं वहां पर मौजूद हैं आज और यहां पर तुर्कमेनिस्तान के फिलहाल मैं खबर की बात करता हूं तुर्कमेनिस्तान में यहां पर वहां के जो प्रेसिडेंट है जो कि अभी हाल ही में ही इलेक्ट हुए हैं उनके साथ इन्होंने मुलाकात की और उनके साथ मिलकर इन्होंने चार एग्रीमेंट पे यहां पर सिग्नेचर किए हैं यह जो अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं इनका नाम है सरदार बर्दी ओके सो okay, so जो भी नाम है इनका जिस तरह के प्रोनाउंसिएशन है ये हाल ही में ही हमने कुछ दिन पहले इनसे रिलेटेड न्यूज भी पढ़ी थी तो ये यहां पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अब चार जो एमओयू साइन किए चार एमओयू कौन कौन से हैं पहला एमओयू साइन किया गया फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सर्विस एट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमी ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया दूसरा एमओ यू साइन किया गया तुर्कमेनिस्तान एंड इंडिया का किस फील्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में यहां पर अगला है आपका प्रोग्राम इन द फील्ड्स ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स के बीच में यहां पर और इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड यूथ पॉलिसी तुर्कमेनिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड दी स्पोर्ट्स इंडिया के बीच में यहां पर एग्रीमेंट साइन किया गया है इस विजिट की खास बात यह है कि इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने यहां पर तुर्कमेनिस्तान को विजिट किया है जब तुर्कमेनिस्तान आजाद देश बना था उसके बाद तो ये न्यूज आपकी पूरी पूरी क्या है इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद पहले राष्ट्रपति बने हैं तुर्कमेनिस्तान की आजादी के बाद जिन्होंने हाल ही में तुर्कमेनिस्तान को विजिट किया और तुर्क में नस्तान में हाल ही में वहाँ के प्रेसिडेंट सरदार ये आपके हाल ही में चुने गए थे और इंडिया के प्रेसिडेंट ने वहाँ पर जाकर चार इंपॉर्टेंट एमओयू साइन किए एग्रीमेंट साइन किए उनमें से सबसे पहला एग्रीमेंट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से रिलेटेड या कह लीजिए फाइनेंशियल मॉनिटरिंग से रिलेटेड दोनों देश मिलकर एक साथ आपका एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट या फिर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग करेंगे जो पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता है किस तरह से होता है किस तरह की टेररिज्म फंडिंग के लिए पैसा तो नहीं यूटिलाइज हो रहा उसके ऊपर बात करेंगे अगला एग्रीमेंट जो किया गया था वो यहां पर किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ और अगला एग्रीमेंट आपका किया गया फील्ड ऑफ कल्चर से और अगला एग्रीमेंट आपका स्पोर्ट्स के फील्ड में किया गया तो चार एग्रीमेंट कौन कौन से हैं एक तो है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग का दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट का तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का और अगला एग्रीमेंट है आपका कौन सा दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स के बीच में यहां पर दोनों के बीच में चार एग्रीमेंट साइन किए गए हैं तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो है अशगाबाद और यहां पर एक,

फील्ड तो सिर्फ डिफेंस के फील्ड में ही है तो डिफेंस के फील्ड में यहां पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इकोनॉमिक काउंसिल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस के फील्ड में में हाल ही भारत डायनेमिक्स चर्चा का विषय बना था जब यहाँ पर इन्होंने डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को जो कि यहां पर भन्नौर तेलंगाना में की गई थी ये यहां पर बनाई गई थी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसके अलावा इसके यहां पर सीएम हाँ, है कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा और हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है की बात करो यूएई की कंपनी है उसके सीईओ का नाम है सईद जल हदर अम अल में रखी ओके सो ये इसके स्टैटिक फैक्ट हुए के अगली न्यूज यहां पर आई है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल यहां पर जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगा सो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल क्रूज मैंने कल भी बात की थी आपको कल भी एक न्यूज़ आई थी क्रूज से संबंधित जिसमें चाइना ने यहाँ पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज यहाँ पर अपना जो पहला सफर है पहली यात्रा जो है उसने पूरी की थी और आज ये मुंबई से खबर आती हुई कि मुंबई का इंटरनेशनल क्रूज जो है टर्मिनल जो है जहां से इंटरनेशनल लेवल के क्रूजेज वहां से रवाना होंगे और वो यहां पर आपका स्टार्ट हो जाएगा जुलाई 2024 से ये खबर यहां पर मुंबई से आती हुई पहला अपने आप में मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल टू बी कमीशन बाय जुलाई 2024 इट इज दी क्रूज टर्मिनल विच बी बी कमिंग एट बीपीएक्स इंदिरा डॉक इन महाराष्ट्र ओके सो ये लोकेशन है जहां पर ये एस्टेब्लिश होगा बीपीएक्स इंदिरा डॉक महाराष्ट्र में ये फोर पॉइंट स्क्वायर फीट में बना है और अपने आप में पहले तरीके का एक कॉरिडोर है इंडिया में जो कि यहां पर दो क्रूज शिप्स यहां पर एक साथ वहां पर आ सकती हैं एज अ जो कहते हैं ना बंदरगाह में लग गई शिप्स वो 22 एलिवेटर्स हैं 10 एस्केलेटर्स एंड मल्टी स्टोरी कार पार्किंग तकरीबन 300 गाड़ियां वहां खड़ी हो सकती हैं टोटल प्रोजेक्ट को 495 करोड़ का है 303 करोड़ तो मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जाएगा 200 शिप्स को हैंडल करने की आपकी न्यूज आई है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल यहां पर जुलाई दो डेट याद रख लेना इससे स्टार्ट होगा बीपीएक्स इंदिरा डॉक महाराष्ट्र में है 4.15 लाख स्क्वायर की फीट का है एंड ये एलिवेटर वगैरह नंबर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है अमाउंट uh, जरूर याद रख लेना फोर नाइन्टी फाइव करोड़ रुपीज का टोटल का टोटल ये प्रोजेक्ट है कितने का है फोर नाइन्टी फाइव और दो सौ शिप्स यहाँ पर, 1 ,000 ,000 यहां पर एक मिलियन पैसेंजर्स यहाँ पर जा सकते हैं ठीक है मतलब एक साल नहीं पूरी कैपेसिटी है पूरे साल एक्सपेक्टेड है इतने जो यात्री हैं यात्रा करेंगे क्रूज के थ्रू ठीक है अब इसी मौके पर यहां पर एक कान्नोजी एग्रे आइलैंड को भी यहाँ पर बात की गई उसके बारे में भी चर्चा हुई यह भी यहाँ पर लाइट हाउस टूरिज्म तूर, स्कीम के तहत महाराष्ट्र की जो है उसके तहत बनाया गया है अट्ठारह करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि कानोजी एग्रे लाइट हाउस ऑन दी आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ अलीबाग जो कि मुंबई के नजदीक है ये भी यहाँ पर बन रहा है और ये मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा इसमें यहाँ पर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस कानोजी एंग्रे आइलैंड को यहाँ पर बनाया गया आइलैंड है बेसिकली लाइट हाउस है लाइट हाउस होता है ना मूवीज में देखा होगा आपने जो आ, समुद्र के किनारे एक लंबाई सी मीनार होती है जिसमें से तो लाइट्स लाइट निकलती है और वो निगरानी रखने के काम आती है तो दैट इज अ लाइट हाउस टूरिज्म स्कीम एक एक कह सकते हैं ना एक जगह बना दी गई है लोगों को वहां पर लेकर जाने के लिए तो कानोजी एंग्री आइलैंड का यहां पर आपका काम चल रहा है मार्च 2023 तक ये 18 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लोग वहां जाएंगे टूरिज्म वगैरह के पर्पज से ठीक है चलो एक बार ये न्यूज़ अगला पेज ये न्यूज पढ़ लो मैं पानी पी लूँ इतनी देर ये एग्रीमेंट है जापान के इंडिया के साथ इतने इतने अमाउंट के

ओके <laughs> स्टार्ट okay, करें आई होप ये पढ़ लिया होगा आपने अभी तक यह कुछ एग्रीमेंट्स यहां पर आपके जीका के साथ जीका ने साइन किया जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने साइन किए हैं आपके ये ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन एग्रीमेंट किसके साथ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सॉरी uh, uh, इंडिया के साथ यहाँ पर दिल्ली में एग्रीमेंट साइन हुए हैं यहाँ पर आपके और ये सारे के सारे एग्रीमेंट हैं ठीक है तो ये आपके एग्रीमेंट सारे के सारे याद करने वाले हैं किस किस तरह के एग्रीमेंट है और कितनी लोन अमाउंट उसमें यहाँ पर इन्वॉल्व है ठीक है ये आपके इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता सिंपल सी न्यूज़ है सामने आपके लिखा हुआ है किस किस पर्पज से और लोन अमाउंट दैट्स इट इतना न्यूज़ में इतना ही है इसमें नथिंग एल्स इंडिया श्रीलंका के बीच में भी एक मैरीटाइम डील हुई है मैरीटाइम डील यानी कि पानी से संबंधित यहाँ पर डील आ, आपकी इंडिया श्रीलंका ने एमओ साइन किया है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा कोलंबो में बनाया जाएगा कोलंबो में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा यह एमओ साइन किया गया ड्यूरिंग द विजिट एस जयशंकर जी वहां पर कोलंबो में हाल ही में विजिट पे थे और ऑलरेडी तेईस मार्च से यहां पर पिछले महीने के तेईस मार्च से यहां पर एक इंडियन नेवी की टीम जो है वो यहां पर ट्रेनिंग दे रही है नेवी और एयरफोर्स ऑफ श्रीलंका को हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में और नेवी ऑफ बोथ कंट्रीज ऑल्सो कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज भी इन्होंने हाल ही में कंडक्ट की थी अभी पढ़ेंगे उसमें यहां पर आई शारदा एंड श्रीलंका ओपीवी वी सा, ने पार्ट किया था इंडिया ने यहां पर दो डोनियर एयरक्राफ्ट श्रीलंकन एयरफोर्स को प्रोवाइड किए हैं नेवल फ्लोटिंग डोक श्रीलंका नेवी को दिया है छह मिलियन डॉलर की यहां पर ग्रांट हाल ही में इंडिया दे रहा है एम आर सी सी एस्टेब्लिश करने के लिए यहां पर एम आर सी सी क्या है मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर सो मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर एक ऐसा सेंटर जो कि यहाँ पर नेवी के लिए वहाँ पर बनाया गया है साथ में एयरफोर्स भी इन्वॉल्व रहेगी किसी भी तरह का डिजास्टर होता है किसी भी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन अगर चलाया जाना है तो उनको वो काम सिखाया जा रहा है वो एस्टेब्लिश किया जा रहा है ऐसा सेंटर इंडिया की मदद से इंडिया की कंपनियाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसके साथ ये मिलकर किया गया इसके लिए छः मिलियन डॉलर यहाँ पर इंडिया के द्वारा श्रीलंकन को दिया गया है उसके बाद यहाँ पर जो नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं ये संबंधित है अभी रिसेंट आज हाल ही में क्या क्या चीजें यहां पर देखने को मिली हैं, ठीक है हाल ही में हम देख सकते हैं यहां पर इंडियन नेवी ने यहां पर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन से जुड़ा हुआ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है दोनों देशों ने यहाँ पर अपनी एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट की थी और हाल ही में यह भी हमने पढ़ा था दो हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट और श्रीलंकन एयरफोर्स को दिए गए थे और नेवल फ्लोटिंग डोक श्रीलंकन नेवी को दिया गया था ये रीसेंट न्यूज है श्रीलंका गवर्नमेंट अभी हाल ही में काफी ज्यादा इकोनॉमी वहाँ की बुरी हालत में है ये हम रोज बात कर ही रहे हैं आजकल क्योंकि आजकल श्रीलंका से जुड़ी हुई डेली बेसिस पर एक ना एक न्यूज़ आती आती है और ये श्रीलंका से जुड़ी हुई खबरें कि इंडिया ने उसको कितना कितना पैसा पिछले दिनों में दिया ठीक है और भी है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसके बारे में मैंने बात की थी ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी आ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ठीक है ओके चलो अगली न्यूज पे चलते हैं अगली न्यूज है इंडिया सबसे गर्म है पिछले 121 वर्षों में ओके 121 वर्षों में यहां पर सबसे गर्म इंडिया द बॉमस डेज इन मार्च ओके मार्च के महीने की बात करें तो मार्च में कभी भी इतनी गर्मी नहीं होती है अमूमन लेकिन आज की डेट में यहाँ पर मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 1.86 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है मतलब इतना नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो देखते हैं आगे क्या होता है ठीक है काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है इस टाइम यहाँ पर आ, हर एक जगह पे अभी कल भी हमने न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें इंडिया का चंद्रपुर जो एरिया है महाराष्ट्र का वो दुनिया का तीसरा सबसे गर्म इलाका माना गया था डि टेम्परेचर के हिसाब से इस वक्त टेम्परेचर के हिसाब से खैर मेरी सिटी में तो पचास डिग्री से पार चला जाता है टेम्परेचर एवरी ईयर लेट्स सी इस बार कितना जाता है एवरी ईयर यस फिफ्टी डिग्री सेल्सियस माई सिटी एवरी ईयर सबसे ज़्यादा ठंड भी यहाँ होती है मतलब आप कहते हो बर्फ़ तो एक बर्फ़ वीला इलाका अलग बात है लेकिन एक प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा ठंड मेरे एरिया में और सबसे ज़्यादा गर्मी भी मेरे एरिया में पड़ती है ठीक है चलो तभी तो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता हूँ गुस्सा आ जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा नर्म हो जाता हूँ है ना यही कारण है क्योंकि मेरे यहाँ का टेम्परेचर ही ऐसा है कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है द एनालिसिस ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 121 वर्ष का यहाँ पर दिया एवरेज से ज्यादा है यहाँ पर सिंस नाइनटीन जीरो की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट रीजन रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवरेज मैक्सिमम वाइल सेंट्रल रिकॉर्डेड इट्स सेकंड वार्मेस इसने दिया नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा है ये ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल वगैरह कम पड़ रही है इस बार यहाँ पर अभी तक और काफी ज़्यादा जो हीट वेव्स हैं वो यहाँ पर चल रही हैं ठीक है ओके अगली न्यूज पे चलते हैं हरियाणा ने लॉन्च किया है क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल फॉर मुख्यमंत्री बागवानी भाग, बीमा योजना सो so यहाँ पर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पोर्टल ही लॉन्च कर दिया वेबसाइट लॉन्च की है उन्होंने एक इंश्योरेंस स्कीम इंश्योरेंस स्कीम होती है हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनको कहते हैं तो यहाँ पर आपका क्रॉप्स जो आपकी खराब हो जाती है किसी वजह से नेचुरल कैलोमिटी की वजह से बारिश धूप वगैरह किसी भी चीज़ की वजह से यहाँ पर आपकी जब कोई फसल खराब होती है तो उसका अगर इंश्योरेंस करवा रखा है बीमा इंश्योरेंस ले रखा है क्रॉप इंश्योरेंस ले रखा है तो उसकी भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी या फिर सरकार जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देती है उसके तहत उनको किया जाता है उसी के तहत हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना एक इनिशिएट की थी अब उसके लिए यहाँ पर इन्होंने अपना एक क्रॉप इंश्योरेंस प्रोजेक्ट क्रॉप इंश्योरेंस प्रोजेक्ट यहाँ पर अपना लगा दिया है मतलब सॉरी क्या यार क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है पोर्टल है वेबसाइट है जहां पर जाकर अपने क्लेम्स वगैरह सेटल या अपनी जो भी क्लेम डालना है वो डाल सकते हो इस स्कीम के तहत द लॉस ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर एंड नेचुरल कैलोमिटीज इन हॉर्टिकल्चर दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स ऑफ फार्मर विल बी कंपनसेटेड ठीक है तो यहां पर उनको पैसा दे दिया जाएगा इन केस किसी भी वजह से उनकी जो फसल है वो बर्बाद होती है नीचे यहाँ पर लिखा भी हुआ है किस किस वजह से फसल बर्बाद होती है जस्ट फॉर द रीड परपज से है इसके लिए फिलहाल 10 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दिया गया है 21 क्रॉप्स इसमें कवर हैं स्कीम के तहत जिसमें चौदह वेजिटेबल्स हैं और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाइसेस भी हैं और कुछ फ्रूट्स भी हैं चौदह स्पाइस दो स्पाइसेस हैं और पांच फ्रूट्स यहाँ पर मैंगो किन्नू जुजुबे गवावा लीची ये जुजु जु, 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 जुजुबी क्या है मैंगो किन्नू समझ गया मैं गुवावा समझ गए लीची भी समझ गया भाई साहब ये कौन सा फ्रूट आ गया जुजुबी खाना पड़ेगा आज ही पापा को कहते हैं पापा जुजू भी ला के दो जुजू भी पापा ढूंढते रहेंगे जुजू भी <laughs> पता नहीं क्या है चलो <laughs> पता हो तो बताना है जुजू भी क्या है चौदह वेजिटेबल में क्या क्या है टोमेटो अनियन पोटैटो कॉलीफ्लावर पीस कैरेट कोकरा ओकरा भिंडी 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 वो आते हैं घी बीटर गोड़ बीटर गोड़ क्या है करेला बीटर गोड़ ब्रिंजल ग्रीन चिल्ली ग्रीन हरी मिर्च हरी मिर्च सब्जी में आती है मसालों में नहीं आती कैप्सिकम कैबेज रेडिश शुक्र है पता है यार मुझे सारे बीटर गोड़ बीटर गोड़ क्या होता है लौकी टर्मरिक हर्दी और अदरक ठीक है चलो ठीक है यार नॉलेज है मुझे भी अंडर द स्कीम सम इंश्योर्ड विल बी थर्टी थाउजेंड पर एकड़ थर्टी थाउजेंड पर एकड़ तीस हजार पर एकड़ यहाँ पर वेजिटेबल्स के लिए और स्पाइसिस एंड रुपीज फोर्टी थाउजेंड पर एकड़ फ्रूट्स के लिए मतलब आपको इतनी अमाउंट मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको दी जा सकती है अगर आपका किसी भी तरह का नुकसान होता है सम एश्योर्ड का मतलब की इतनी मैक्सिमम अमाउंट है जो इंश्योरेंस में कवर रहती है वेजिटेबल स्पाइसेस के लिए तीस हजार पर एकड़ एक है और चालीस हजार पर एकड़ एक फ्रूट्स के लिए दिया जा सकता है और यहां पर किसानों को यहां पर जो प्रीमियम पे करना है वो करना है ढाई परसेंट ऑफ दश्योर्ड अमाउंट सेवन फिफ्टी रुपीज वेजिटेबल्स के लिए और थाउजेंड रुपीज उन्होंने फ्रूट के लिए पे करना है इन दम ऑफ द प्रीमियम द कंपनसेशन को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑन दी बेसिसाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट हंड्रेड परसेंट लॉस जिस जिस जितने जितने परसेंट का लॉस होगा उसके हिसाब से आपको ये कंपनसेशन दिया जाएगा ठीक है ओके क्या होता है जुजुबी रेड डेट किन्नो भी नहीं बता तुम्हें पता ही नहीं, ने जुजु, जुजु भी भी नहीं पता गूगल ही कर रहे सभी लोग ओके सो हरियाणा से जुड़ी हुई रिसेंट खबरें हरियाणा के गवर्नर बंदारू दतारे जी हैं चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं और कैपिटल चंडीगढ़ है ओके चलो अगली न्यूज पे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है टेम्पल थ्री वेबसाइट So, यहाँ पर आपका टेम्पल 360 वेबसाइट एक लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा श्रीमती मीनाक्षी लेखी मौजूद थे इन्होंने लॉन्च किया है एक वेबसाइट टेम्पल 360 नाम की टेम्पल 360 नाम की वेबसाइट बेसिकली किस पर्पज से है ये पर्पज है इसका जो यहाँ पर इंडिया में बारह ज्योतिर्लिंग हैं बारह ज्योतिर्लिंग हैं और चार धाम हैं ये यहाँ पर आप एक्सक्लूसिवली लाइव उनको यहाँ पर देख सकते हो किसी भी जगह से पूरे पूरे आप दर्शन कर सकते हो कैन सी एंड पार्टिसिपेट इन ई दर्शन ई प्रसाद ई आरती विच मेक एवरीवन लाइफ कन्वीनियंट एंड ऑल्सो कीप्स पीपल कनेक्टेड तो वहाँ पर आप ऑनलाइन सब चीजें कर सकते हो ये कोई नई चीज नहीं है इससे पहले भी बहुत बार ये ऐसी चीजें हमने देखने को मिली हैं लेकिन इस बार उन्होंने की वेबसाइट गवर्नमेंट ने खुद ने लॉन्च कर दिए टेम्पल थ्री सिक्सटी नाम की वेबसाइट जहां पर बारह ज्योतिर्लिंग और चार धाम जो है उनको आप यहां पर वर्चुअल वर्चुअल तो नहीं होगा रियल फॉर्म में लाइव आप वहां पर देख सकते हो आपको वहां पर आरती करवानी है आपको वहां पर प्रसाद है ई दर्शन आपको करने हैं ऑनलाइन ये सब चीजें वहां पर

गूगल कर लेना या अपने मम्मी पापा से या अपने दादा दादी कोई भी है आपके घर पे उनसे पूछना डेफिनेटली उनको पता होगा बारह ज्योतिर्लिंग कौन से हैं और क्या उनका सिग्निफिकेंस क्या है ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है और उनका सिग्निफिकेंस क्या है आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों को फिफ्टी परसेंट लोगों को ये चीज़ पता होगी जिनको नहीं पता थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसके पीछे स्टोरी है बहुत बड़ी स्टोरी है बहुत अच्छी स्टोरी है और ज़रूर जानना ज़रूर पढ़ना उसके बारे में आज टाइम मिले दस पंद्रह मिनट निकाल कर ठीक है इंडिया बोट एंड मैरिन शो फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मैरिन शो कंक्लूड्स इन कोची सो फोर्थ एडिशन इंडिया बोट एंड मैरिन शो यहां पर आपका आयोजित किया गया है कहां पर किया गया है कोची केरला में किया गया है ओके okay, सो so ये बोलगाती पैलेस एग्जैक्ट है यहां पर लोकेशन कोची में है ये यहां पर इंडिया का इकलौता और सबसे बढ़िया बोट एंड मैरिन इंडस्ट्री से रिलेटेड एग्जीबिशन है यहां पर बोट शिप्स जो हैं वो यहां पर एग्जिबिट की गई हैं शोकेस की जाएंगी इसको ऑर्गेनाइज किया है कोची बेस्ड क्रूज एक्सपो के द्वारा ओके आई बी एम एस दो हजार बाईस शो के लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स वहां पर मौजूद हैं जो बोट्स बनाती हैं आपकी शिप्स बनाती हैं वो सब ने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई तकरीबन फोर्टी फाइव हर एक पूरे इंडिया से और दो इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स इसमें पार्टिसिपेट किया तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इंडिया बोट एंड मैरिन शो कहाँ पर हुआ था ये हुआ था बोलगाती पैलेस केर कोची केरला में ये आयोजित किया गया है रिसेंट न्यूज केरला से जुड़ी हुई केरला बर्ड एटलस यहां पर हाल ही में एक एटलस यहां पर इंडिया में केरला के कुंभल आ, कुंभला इस सेट टू बिकम द कंट्री का पहला सेनेटरी नैपकिन फ्री पंचायत और कोलकाता हाई कोर्ट यहाँ पर इंडिया का पहला पेपरलेस कोर्ट बनाया इंडिया का पहला इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन ये भी यहाँ पर केरला में ही एस्टेब्लिश किया जा रहा है मन, यहां पर एंटीनास देगा सेट टू ट्रैक इसरो चंद्रयान थ्री एंड आदित्य एलवन सो आदित्य एलवन और, एल so, एल और चंद्रयान थ्री चंद्रयान थ्री जो है वो यहां पर मून की सरफेस पे लैंड होने जा रहा है जो पिछला था वो नहीं हो पाया था लेकिन वो सफल ऑर्बिट कर रहा है उसको लेकिन चंद्रयान थ्री यहां पर लैंड करने जा रहा है और आदित्य एलवन जो है ये यह यहां पर स्टडी करेगा सन को एलवन का यहां पर मतलब है आ, लेग्रेगियन पॉइंट वन जहां पर आप सूरज का एक पॉइंट है वहाँ तक आप जा सकते हैं उस पॉइंट को यहाँ पर ये एक रिप्रेजेंट करता है एलवन कुछ दिन पहले इससे जुड़ी हुई एक खबर और आई थी मैंने उसमें आपको समझाया भी था एक बार सो यहाँ पर आपका आदित्य एलवन सन को स्टडी कर रहेगा और चंद्रयान थ्री जो है वो मून के लिए है इन दोनों को लिए यहाँ पर आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने एंटीनियर्स प्रोवाइड करा रही है ताकि इन पर वॉच रखा जा सके इनको यहाँ पर अच्छे से मॉनिटर किया जा सके ट्रैक किया जा सके ये चीज यहां पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोवाइड कराएगी ठीक है? ये यहां पर मिशन लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्री हरिगोटा आंध्र प्रदेश में है यहीं से यहां पर यह लॉन्च किए जाएंगे और बिग आयरन थर्टी फाइव मीटर डीप स्पेस एस्ट्रेक एंटीनाज एस्ट्रैक एंटीनाज ऑफ ईएसए ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना और स्पेन के ये आदित्य एलवन को सपोर्ट करेंगे और 15 मीटर का एंटीना स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुयाना में है ईएसए का ये भी यहां पर आपका सपोर्ट करेगा इसके अलावा 32 मीटर डीप स्पेस एंटीना और दोनो हिली स्टेशन यूनाइटेड किंगडम तो ये सारे के सारे एंटीनास जो हैं यहां पर ये यह सपोर्ट करने वाले हैं हमारी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग परपज से इनके नाम याद रख लेना एस्ट्रैक एंटीना है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना स्पेन पंद्रह मीटर का एंटीना है कोरू में और एक और है यहां पर यूनाइटेड किंगडम के गोन हिली स्टेशन में ठीक है तो ये तीन लोकेशंस जहां से यहां पर ट्रैकिंग होगी रीसेंट न्यूज इसरो से संबंधित यहां पर रिसेंटली यहां पर कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी यहां पर ठीक है तो ये आपके लिए रिसेंट न्यूज है और रिसेंट न्यूज में डॉक्टर एस सोमनाथ भी यहां पर नए चेयरपर्सन बनाए गए थे हाल ही में इसरो के ठीक है अगली एक रिपोर्ट है इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 7.60 इन मार्च फ्रॉम 8.1 पॉइंट इन फरवरी 2022 सीएमआईई बाइस सी एम आई रिपोर्ट सी एम आई दैट इज सेंटर इकोनॉमी एक रिपोर्ट दी है इस रिपोर्ट में यहां पर कहा गया है ओवरऑल इंप्लॉयमेंट रेट इन इंडिया वाज 8.10 परसेंट इन फरवरी 2022 व्हिच बाइस फेल टू 7.6 परसेंट इन मार्च ओके सो यहां पर 8.10 परसेंट यहां पर से फॉल हुआ है 7.6 पॉइंट सिक्स परसेंट सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर कम हुई है फेबर के मुकाबले ऐसा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की एक रिपोर्ट में कहा गया है रेशियो फॉर द ड्रॉप फर्दर ड्रॉपेंट विद अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट टू 8.5 पॉइंट फाइव परसेंट एंड रूरल एट सेवन पॉइंट वन परसेंट ओके सो ये भी यहाँ पर ड्रॉप हुआ है रेशियो फॉर द ड्रॉप टू सेवन पॉइंट फाइव परसेंट अर्बन और यहाँ पर रूरल एरियाज के बीच का जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पर कम हुआ है हरियाणा यहां पर सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट जिसके बाद राजस्थान है यहां पर आपका ओके और फिर जम्मू कश्मीर एट ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड बिहार एट फोर्टीन पॉइंट फोर परसेंट है ओके जस्ट सेकेंड एक इम्पोर्टेंट कॉल है यार धोखा हो गया ये तो मुझे ट्रू कॉलर पे कि दिखा किसी का नाम तो मतलब जिसका नाम दिख रहा था तो मुझे लगा कि हाँ यार ये बंदा मतलब कि इंपॉर्टेंट थी गोल उस पर्सन की आना ये मतलब इम्पोर्टेंट है कि वो अभी कनेक्शन में नहीं है बंदा काफ़ी टाइम बाद गोल किया उसने लेकिन मैंने अगर ट्रू कॉलर पे आया तो फिर जब कॉल उठाया तो वो तो और कोई मतलब सेम नाम है लेकिन और कोई निकला वो चलो हाँ। क्या है हरियाणा ठीक है सॉरी हरियाणा रिकॉर्ड किया हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट आवाज आई थिंक शुरू होगी होगी ना मेरी यानी ठीक है ओके आवाज ओके तक पढ़ लिया होगा आपने हरियाणा सबसे ज्यादा अनएंप्लॉयमेंट यहां पर राजस्थान जम्मू कश्मीर बिहार त्रिपुरा वेस्ट बंगाल ओवरऑल अनुप्लॉयमेंट रेट यहां पर इतना अप्रैल 2021 में रहा था जो कि मई में 11.84 हो गया था कर्नाटक एंड गुजरात में लीस्ट अनुप्लॉयमेंट रेट है यहां पर आपका ये मार्च 2022 के अनुसार ठीक है तो ये सी एम का डाटा जहाँ पर बेरोजगारी की दर दे रखी है बेरोजगारी की दर यहाँ पर ये अभी हाल ही में मार्च की इसके संबंधित है हर एक चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हो यहाँ पर हरियाणा टॉप पे कर रहा है इंडिया का कितना है पिछले महीने कितना था पिछले साल कितना था सबसे लीस्ट किसका है कर्नाटका गुजरात ये सब चीज़ें ठीक है सी की रिपोर्ट

एच के द्वारा इसको बनाया गया था अंडर द लाइसेंस एग्रीमेंट एंड इसको शामिल किया गया था 1962 में अब जाके साठ साल कंप्लीट हो गए और इसी मौके पर यहां पर एक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया कौन सी लोकेशन पर किया गया ये पूछा जा सकता है यहाँ पर और यहाँ पर एक कॉफी टेबल बुक भी यहाँ पर और एक कमेमोरेटिव मूवी भी है चेतक हेलीकॉप्टर पे इस पे पर यहाँ पर चलाई गई रिलीज की गई है ठीक है चलो ये है आई ए एफ कॉम्योरेट सिक्सटी ईयर ऑफ ग्लोरियस सर्विस बाय चेतक हेलीकॉप्टर्स नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड ओके ये से जुड़ी हुई कुछ और खबरें हैं यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने देखा इंडियन एयरफोर्स से जुड़ा हुआ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी ठीक है विवेक राम चौधरी यहाँ पर आपका चीफ ऑफ एयर स्टाफ है आ, अगली न्यूज है अरुण नभा घोष अपॉइंटेड टू हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशन कमेटी सो नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो उतना आप वहां से खींच भी रहे हो तो यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाए न्यूट्रल हो गया वो जीरो जीरो हो गया जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है लेकिन हाँ आप किसी तरह से ऐसे मेजर्स लेते हो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यहां पर कम भी हो रही है तो उसको हम नेट जीरो कहते हैं तो नेट जीरो कमिटमेंट ऑफ स्टेट एंटिटीज सो एक कमेटी है यहां पर जिसमें यहां पर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस ने अरुणभा घोष जो कि सीओ हैं काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर के उनको एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप में यहां पर हिस्सा बनाया गया है एंड द ग्रुप इसको लॉन्च किया गया था 31 मार्च 2022 को इसको चेयर किया गया पूर्व कैनेडियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कैथराइन मैकेना के में और इस 16 मेंबर का पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो कि यहां पर देखेगा किस तरह से नेट जीरो एमिशंस को पूरा किया जा सकता है हेड कौन करेंगे कैथरीन मैकेना और सोलह मेंबर का ग्रुप है जिसमें से एक मेंबर यहां पर अरुणा घोष भी यहां पर बनेंगे सो so, अरुणाभा घोष मेंबर नेट जीरो कमेटी के यूनाइटेड नेशन के कमेटी कैथरीन मकैमा हेड है, है सोलह मेंबर की ये कमेटी है ठीक है ये सीओ है आपके काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर के क्लाइमेट एनर्जी थिंक टैंक है इनको अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जी ट्वेंटी फाइनेंस ट्रैक एडवाइजरी दो हजार के लिए जी ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी प्रेजिडेंसी का ठीक है सो यह अरुणा घोष अपॉइंटेड टू हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो विकास कुमार को अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन क्या बात लिखी है बीच ना वट एवर टू बी डन आई डू बट इन रियालिटी इट इज नॉट दैट आई डू कार्यम करोमी किंची किंचम करोमी कार्यम करोमी न चे किंचम करो मी संस्कृत है ना संस्कृत तो नहीं संस्कृत ही है संस्कृत है ओके नहीं यार और कुछ ही है ये तो आ, uh, नहीं संस्कृति वट एवर टू बी डन आई डू वट जो भी करना है आई डू बट इन रियलिटी इट इज नॉट दैट आई डू विकास कुमार हैज अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इन्होंने जगह ली मंगू सिंह जी की अगर आप बहुत टाइम से डीएमआरसी को फॉलो कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक ही नाम आता है हमारा जो जिनको मेट्रो मैन कहते थे और उनका नाम था आपका यहीं कहीं लिखा होता ये रहा ई श्रीधरन ई श्रीधरन इनको हम मेट्रो मैन कहते थे इन्होंने ही शुरुआत की थी इंडिया में, में मेट्रो की समझ लीजिए यही करता धरता थे उसके बाद नेक्स्ट मंगू सिंह बने थे और अब जाके विकास कुमार जी इनकी जगह लेंगे विकास कुमार जी दिल्ली मेट्रो के यहाँ पर एक तारीख से इनके सी बन चुके हैं और ये डायरेक्टर ऑपरेशन की जगह पर थे पिछले का तीन दशकों से यहाँ पर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है इनको मेट्रो रेल से जुड़ा हुआ और यहां पर अब ये नेक्स्ट दिल्ली मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं ये रिसेंट जो अपॉइंटमेंट हुए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले तक हमने जो पढ़े थे आ, नेक्स्ट है आपका एंथोनी हिरेदिया को अपॉइंट किया गया दी एमडी एंड सी ऑफ द महिंद्रा मैन्यू लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का यहां पर अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ये आपके यहां पर पूरा आशुतोष बिश्नोई जी की जगह लेंगे महिंद्रा मैन्यू लाइफ म्यूचुअल फंड जो है ये यहां पर एक ज्वाइंट वेंचर है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का एंड मेन्यू लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का ये है आपका आशुतोष बिश्नोई जी की जगह लेंगे एंथनी हिरेदिया नेक्स्ट है यहां पर मियामी ओपन टेरिस टूर्नामेंट यहां पर आयोजित किया गया मियामी में हुआ था यहां पर अभी हाल ही में आ, 22 से 3 अप्रैल के बीच में और ये यहां पर आपका विनर और रनर अप रहे मैन सिंगल कार्लोस अलक्राज ने जीता इगा स्वास्तिक यहां पर वीमेंस में जीती मैं डबल हु

जो यहाँ पर एक पब्लिक का भरोसा कितना है इंडिया को यहाँ पर जो बचाया जा रहा है बाहर के एक्सटर्नल जो फोर्सेस से सिक्योरिटी थ्रेट जो आते हैं सिक्योरिटी इंडिया को जो सुरक्षा के पर्पज़ से डिफेंस के पर्पज़ से प्राइम मिनिस्टर सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग किस तरह से उन्होंने डिसीजन लिए थे चाइना पाकिस्तान से जुड़े हुए आपसे वो सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर बताती हैं ये इनकी बाकी बुक्स के नाम हैं जो इनके द्वारा बाकी बुक्स लिखी गई हैं दीज आर दी अदर बुक्स ठीक है ये है श्रीराम चोलिया लिखी गई है ये एक बुक अगली है इंटरनेशनल डे फॉर मैरिटाइम सॉरी माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट इन माइन एक्शन चार अप्रैल को ये अवेयरनेस क्रिएट करता लाइन माइंस एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स देयर एरेडिकेशन थीम है सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप सेफ होम ये थीम है और ये पहली बार चार अप्रैल दो को ऑब्जर्व किया गया था ठीक है ओके मेरे दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता तो हूँ सेशन पसंद आया होगा बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास होगी एक बजे आधे घंटे बाद तो उस सेशन में आना मत भूलिएगा एंड अगर इस सेशन को देख रहे हो तो उस सेशन को जरूर देखा करो साथ साथ क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपका काफ़ी वेटेज होती है उस सेक्शन की यहाँ पर और रात को आठ बजे क्विकर सेशन होता है उसको जरूर देख लिया करो दस मिनट का सेशन होता है और क्विकली हम करंट अफेयर्स को एक बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और रात को दस बजे का एमसीक्यू सी क्लास होती है वो भी फ्री होती है तो सभी क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जाके जस्ट क्लिक करना है या फिर लिंक इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है रात अभी आधे घंटे बाद रात को आठ बजे और उसके बाद रात को यहाँ पर दस बजे एम क्लास फ्री होती है ओके okay, वो डायरेक्ट आप यहाँ पर जा सकते हैं उसके लिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ऐट द रेट के एक अड्डवल जहाँ पर इस सेक्शन की इस सेशन की पीडीएफ दो तरीके से मिलती है एक पीपीटी फॉर्म जो ये है एक मैगजीन फॉर्म में जो कि अगले दिन आती है आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में वो चीज़ अवेलेबल होती है आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो और मंथली मैगजीन आपको मेरी पूरी तरह से कोशिश है आज रात तक देने की लेट नाइट तक आपको मिल जाएगी काम उस पर चल रहा है और वह बहुत ही जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगी फिर आप मंथली मैगज़ीन से भी कर लीजिएगा राइट right, ओके okay. और नोटबुक सीरीज और मॉक टेस्ट अगर आप लेने के इच्छुक हो तो ले लीजिएगा अगर मेरे कंटेंट पे बिलीव है तो ये बिना देखे आप आंख बंद करके इसको ले सकते हैं आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की निराशा नहीं होगी इन केस अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है कोई दिक्कत आ रही है कुछ आपको पूछना है तो आप एक मेल आईडी लिख लीजिएगा स्टडी नीति गाइड एट जी मेल डॉट कॉम नीचे डिस्क्रिप्शन में खैर लिखी हुई है स्टडी नीति गाइड एट जी मेल डॉट कॉम वहाँ पर ही आप जा सकते हैं और आप वहाँ पर जाकर भी इसके बारे में कोई भी क्वारी है कोई भी आपको टेक्निकल कोई इशू आ रहा है तो आप वहाँ पर आप रेस कर सकते हैं अपना इश्यू ठीक है मिलता हूँ आधे घंटे बाद इस सेशन को पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सेशन कैसा लगा आपको